सर आपके रेस्टोरेंट में क्या फेमस है सर? क्या खा रहे हो सर आप? पाया खा रहे हो, कैसा स्वाद है? ये देख पा रहे होंगे सामने अब्दुल मलिक का घर, उसके जस्ट बगल पे ही यहाँ पर खाने के रेस्टोरेंट है। इसकी है यहाँ पर उबल रहा है एकदम कढ़ाई में दूध। दूध कितने रुपए गिलास देते हो सर? राइट हो जाएगा यहाँ पर ताजा ताजा दूध। अच्छा काजू कीमा, और ये सर ये वेजिटेबल। अच्छा जो कोई वेज खाना चाहे, ये ब्रेन। अच्छा सर सस्ता भी है। रिक्वेस्ट करी इन्होंने बिरयानी खाई एकदम लाजवाब। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियोस के साथ। मैं हूँ इसमें उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बनभूलपुरा लाइन नंबर 8 में। तो यहाँ से आज वीडियो की शुरुआत करेंगे। यहाँ मैं आज आपको यह दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने रेस्टोरेंट हैं और यहाँ का फेमस खाना क्या है, किस तरीके से यहाँ पर खाना बनता है और क्या क्या फेमस है और यहाँ पर कितनी गर्दी रहती है और क्या क्या डिशें हैं, कितने होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और रेट भी बताऊँगा क्या क्या यहाँ पर सस्ता मिलता है, क्या महंगा मिलता है, सारा कुछ आपको बताएंगे बने रहे इस वीडियोस में। अगर जो भी खाने के शौकीन है, शाम को यहाँ खुलता है 5 बजे के बाद, यहाँ पर ज़्यादातर रश रहता है, रात को 12-1 बजे तक चलता है, सुबह के टाइम में ज़्यादा कुछ रहता है नहीं यहाँ पर। तो अभी चलते हैं वीडियोस की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही लगेगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल में आप नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो ये अभी मैं हूँ लाइन नंबर 8 बंद भूलपुरा में हल्द्वानी का, तो वहाँ से वीडियो की शुरुआत कर। ये देख पा रहे होंगे सामने किसका घर है, अब्दुल मलिक का घर, उसके जस्ट बगल पे ही यहाँ पर खाने के रेस्टोरेंट है। शाम के समय यहाँ पर ज़्यादातर ओपन होते हैं, अभी ये लोग साफ सफाई वगैरह करते हैं। और शाम को कितने बजे ओपन होता है सर? 5 बजे। क्या क्या बेचते हो सर? जरा भैया सर, नमस्कार भैया। तो देखिए यहाँ पर समोसे तल रहे हैं ये। नमस्कार सर, कितने साल पुरानी दुकान है सर आपकी? ये होगी 40-50 साल। 50 साल पुराना, काफ़ी फेमस लग रही है। काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रस। अच्छा अच्छा, क्या क्या फेमस है सर आपके यहाँ? समोसे। अच्छा, समोसा कितने का देते हो सर? एक 7 रुपये। 7 रुपये का एक समोसा, साथ में चटनी कौन कौन सी? अच्छा खाली खाली समोसा बेच रहा। और दूसरा आलू का समोसा, ब्रेड वगैरह। अच्छा वही चीज़ बेचते हो आप? दूध दूध जलेबी वगैरह कुछ नहीं? सुबह का छोले भटूरे। अच्छा सुबह का, अब तो धूप खत्म हो गया। अच्छा सुबह नाश्ता खत्म हो गया। अच्छा कितने बजे से ग्राहक आना चालू हो जाते हैं? शाम को आने बिरयानी का काम होता है। अच्छा अच्छा, तो गाइस देखिए यहाँ पर शाम से इनका इस तरीके से सेटअप है, काफ़ी पुरानी दुकान है यहाँ पर और साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। शाम को यहाँ पर आ सकते हैं, इनके यहाँ समोसे आप यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद जस्ट बगल में एक दुकान और भी है स्वीट्स की है, यहाँ पर उबल रहा है एकदम कढ़ाई में दूध। दूध कितने रुपये गिलास देते हो सर? 30 रुपये का बड़ा वाला गिलास, वो जो सामने है। लस्सी वगैरह सब अवेलेबल, जलेबी भी देते हो सर? क्या फेमस है सर आपकी दुकान में? रबड़ी कढ़ाई दूध सबसे फेमस है आपके वहाँ। कितने बजे चालू हो जाती दुकान सुबह? सुबह तो खुल जाती 9 बजे। ग्राहक आना तो शाम को 5 बजे के बाद ज़्यादा रस रहता है। चलो ठीक है। तो ये दूध गाय का भैंस का? भैंस का दूध देख के आपको प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ पर ताज़ा ताज़ा दूध। देखो एकदम ताज़ा बना रहे हैं। और ये भाई की दुकान है, देखो इस तरीके से, देखो हजीम स्वीट हाउस करके है। यहाँ पर ज़्यादातर स्वीट मिलेगा, दूध में भी आपको स्वीट मिलेगा। इनकी खासियत है कि दूध बहुत बढ़िया रहता है इनका, मैंने भी कई बार पिया है। अभी तो गर्मी हो रही है तो अभी पीऊँगा नहीं, कभी शाम के समय आऊँगा तो वो दिखाएंगे। ये देखिए आप लस्सी वगैरह भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए अब थोड़ा सा आगे को चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर, और रेस्टोरेंट की भी यहाँ पर सेटअप हो रहा है, सारा कुछ रेस्टोरेंट का यहाँ पर सेटअप हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर तैयार होगा। शाम के समय में यहाँ पर बिल्कुल गर्दी हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी ना शाम को। और एक भाई का रेस्टोरेंट है अली क्रेम होटल करके, काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है बाहर से, और भाई से पूछेंगे क्या बना रहे हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम सर आपका? सर आपके रेस्टोरेंट में क्या फेमस है सर? हल्द्वानी के जो बनभूलपुरा की जनता है, जो और भी जनता है यहाँ पर, अगर यहाँ आए तो क्या ऑर्डर करें आपके होटल में? निहारी। ये क्या बना रहे सर आप? निहारी बना रहे। कितने रुपये प्लेट क्या देते हो? अच्छा खाली निहारी ही बेचते हो आप, बाकी कुछ नहीं बेचते हो, एक आइटम बस? तो गाइस देखिए ये जो लगे हुए ये सारे आइटम यहाँ भाई के होटल पे मिल जाएंगे। ये बैठने का सेटअप है। तो शाम को कितने बजे चालू होता है? 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक। तो देखिए आप आ सकते हैं यहाँ पर खाने का, अगर कोई निहारी खाने के शौकीन है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, आपको एकदम ताज़ा ताज़ा यहाँ पर निहारी मिलेगा। और आगे को भी चलते हैं, यहाँ पर लग के ही 8-10 ढाबे और रेस्टोरेंट उगरा है, तो आगे का भी ज़रा यहाँ पर नज़ारा दिखाएंगे हम। कैसे हो सर? तो यहाँ पर एक जम जम करके स्वीट की दुकान है, और ये भाई भी यहाँ पर अभी चालू ही कर रहे हैं। अभी चालू ही हो रहा है क्या सर? चालू नहीं हुआ अभी। अच्छा शाम के समय क्या क्या बेचते हो सर?
फास्ट फूड का आइटम है। अच्छा मोमो वगैरह बेचते हो, तो मोमोस भी आपको यहाँ पर बंधुलपुरा 8 नंबर में मिल जाएंगे। और अगर आगे देखते हैं भाई की दुकान, यहाँ पर देखे इस तरीके से सड़ब है इनका। सर क्या बना रहे हो सर? रोटी। अच्छा देखो तंदूर रोटी यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्या फेमस है इनके यहाँ और किस तरीके से खाना मिलता है सारा कुछ हम बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? सर कितना कितना पुराना रेस्टोरेंट है ये आपका? 22 साल पुराना रेस्टोरेंट है। अच्छा कितने लोग काम करते हैं होटल में? तो आपके यहाँ क्या फेमस मिलेगा सर? निहारी। अच्छा अगर कोई बंधुलपुरा से यहाँ पर जिसको पता नहीं है कोई आए आपके होटल में तो आप क्या खिलाएंगे उसको स्पेशल डिश? निहारी। और अच्छा निहारी ज्यादातर फेमस है यहाँ। अच्छा अच्छा। और सर क्या हाल चाल है? क्या नाम है सर आपका? आप मालिक है सर? आप मालिक है यहाँ? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कितने बजे से यहाँ पर कस्टमर आना चालू हो जाते हैं? और अगर जैसे कोई हल्द्वानी से आए तो कितने बजे यहाँ पर आना चाहिए आपके रेस्टोरेंट में? 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद आपके वहाँ सारा कुछ सेटअप मिल जाएगा। और रात को कितने बजे तक सर? 11 बजे तक आप? अच्छा 11:30 बजे तक। तो देखिए गाइस ये इनका सेटअप है और यहाँ पर ये सारा कुछ मेजम प्लाजा एकदम ओके है इनका। बैठने की सुविधा भी है। रेट क्या है? रेट कैसे हैं? सस्ते हैं महंगे? सस्ते हैं। 50 रुपये। क्या क्या मिलेगा 50 रुपये में? 50 में कोरमा मिलेगा आपको, कीमा मिलेगा। हाँ हाँ। रोटी भी मिलेगा? रोटी 5 रुपये पर रोटी। और बिरयानी राइस वगैरह? अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। जो भी हल्द्वानी से खाने के शौकीन है तो यहाँ पर लाइव तंदूरी रोटी बना रहे हैं ये लोग। देखो बहुत रनिंग रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पर एकदम फ्रेश ताज़ा माल मिलता है। देखो आप देख रहे होंगे सेटअप देख के ही। अच्छा ये तंदूरी सेफ है, सुबह से लगे रहते हैं। काफ़ी मेहनत भरा काम है तंदूर का, क्योंकि हमने भी तंदूर का काम किया है तो उनको ज़्यादा ना परेशान करना ठीक नहीं है। उनको शाम को ना 1-1 गिलास लस्सी दिया करो, क्योंकि तंदूर में जो काम करता ना उनको लस्सी या सांस की ज़रूरत होती है। क्यों सर? क्या नाम है सर आपका? अच्छा आपने क्या खाया यहाँ? कुछ नहीं खाया? आते रहते हो यहाँ? अच्छा क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ होटल में? निहारी आपको बहुत पसंद है? चलो ठीक है धन्यवाद। तो गाइस यहाँ पर निहारी ज़्यादा फेमस है, निहारी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और भी रेस्टोरेंट है यहाँ, वो भी जानेंगे कि यहाँ पर और किस तरीके से। सामने मस्जिद है और उसके बगल पे 8 नंबर पे आप मच्छी मार्केट ये साइड को है, यहाँ से अंदर आ सकते हैं। और अब्दुल मलिक का घर आप सामने देख रहे हैं, उसके बगल से यहाँ पर रेस्टोरेंट चालू हो जाते हैं। और ऊपर को भी दिखाऊंगा मैं और यहाँ पर और क्या क्या फेमस है, किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं। अभी थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, भाई की दुकान दिखाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या फेमस बेचते हैं ये। नमस्कार सर। सर क्या क्या फेमस है सर आपके वहाँ? शोरमा है, चिकन फ्राई है, मलाई टिक्का है। अच्छा अच्छा। तो गाइस जरा मैं इनका रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ बाहर से, बनभुलपुरा 8 नंबर में। ये देखिए ये इनका रेस्टोरेंट है, ये सेटअप है और अंदर बैठने का सारा कुछ दिखाएंगे, मालिक साहब से भी बात करेंगे। सर ये क्या बन रहा है सर? अच्छा अच्छा। कितने रुपये प्लेट है सर? 600 रुपये किलो है। अच्छा छूट इसमें मिलती है। अच्छा क्या छूट मिलेगी सर इसमें? 20% छूट मिलेगी। अच्छा अगर जैसे कोई कम प्लेट में खाना चाहे, जैसे मैं सिंगल आया 5-6 पीस ऐसा खाना चाहे तो 50 रुपये का भी दे देते हैं। अच्छा अच्छा। और क्या क्या बेचते हो सर इसके अलावा आप? शोरबा बेचते हैं, शाम को मॉर्निंग में मलाई टिक्का बेचते हैं। अच्छा अच्छा। तो रस कितने बजे से चालू हो जाता है ग्राहक आना? छः बजे से। तो गाइस देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये भी इनका भी फेमस है, आप आके यहाँ पर जायका ले सकते हैं लाइन नंबर 8 में। शाम को काफ़ी रश रहता है ये एरिया में, काफ़ी खाने के शौकीन यहाँ पर शिरकत करते हैं, उसमें से ये भाई साहब भी हैं। आप आते नहीं सर यहाँ? नहीं यहाँ खाते नहीं, खाने के लिए। अच्छा आप ही की है सर? अच्छा तो, अच्छा ताया है तो आप मदद करते नहीं शाम के समय? अभी तो अकेले लग रहे हैं फिर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे को चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं लाइन नंबर 8 में यहाँ की फेमस दुकान क्या क्या है खाने का, एकदम बेहतरीन यहाँ पर लग रहा है, एकदम बेहतरीन सेटअप। नमस्कार सर, क्या फेमस सर आपके होटल पे? बिरयानी निहारी। जरा दिखाएंगे सर हमारे व्यूअर्स को किस तरीके से है? अच्छा शाम को तैयार रहता है। कितने बजे से रश रहता है सर? 5 बजे के बाद। अच्छा सभी यहाँ पर सब 5 बजे के बाद ही खुलते हैं? अच्छा कै रुपये प्लेट, ग्राम क्या देते हो? 200 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस यहाँ पर शाम को आइए, आप शाम को आप आ सकते हैं। पूरा सेटअप आप देख रहे हो एकदम नीट एंड क्लीन है और प्लेट भी एकदम सजा के रखे हैं बैठने का। हाँ और मुरादाबाद लिखो। अच्छा मुरादाबादी बिरयानी फेमस है।
निहारी भी फेमस है भाई की। चलो ठीक है, अब आगे को चलते हैं और यहाँ का थोड़ा सा और लाइफस्टाइल जरा दिखा देते हैं, यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। देखो ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं, यहाँ पर स्टॉल जो है शाम को ही लगते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर गन्ने का जूस का स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है। और थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ की गलियाँ ज़रा दिखा देता हूँ। अभी गर्मी के दिन बहुत उफान पे हैं, तो भाई बेच रहे हैं यहाँ पर वाटरमेलन। देखो एकदम ताज़ा वाटरमेलन है, चखा के बेच रहे हैं भैया, गारंटी के साथ यहाँ वाटरमेलन बेच रहे हैं, लाल नहीं होगा तो भी नहीं दिया जाएगा। और आगे चलते हैं और यहाँ पर और रेस्टोरेंट दिखाते हैं किस तरीके से हैं। छोटे मोटे ढाबे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और एक भाई की दुकान भी है, देखो अली नूर निहार करके सेंटर दिल्ली लिखा हुआ है इसमें। और ये भाई लोग क्या फेमस यहाँ पर बेचते हैं। नमस्कार सर, क्या फेमस सर आपके होटल में? नारी सब, ये सब जगह सब लोग नारी बेचते हैं क्या एरिया में? पाया वगैरह। अच्छा ये क्या चीज़ है? नारी, ये कोरमा। और ये क्या चीज़? काजू, काजू कीमा। और ये पाया। और ये सर ये वेजिटेबल? अच्छा जो कोई वेज खाना चाहे, ये ब्रेन, ब्रेन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप है भाई का, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम एरोमा देख के मन कर रहा है कि खाने का, मगर गर्मी इतनी है कि अभी खा नहीं पाऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये इनका रेस्टोरेंट है और ये सेटअप भी है, और यहाँ पर कुछ ग्राहक लोग खा भी रहे। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है? क्या खा रहे हो सर आप? पाया। पाया खा रहे हो, कैसा स्वाद है? हमेशा यहीं आते हैं, खा के नहीं देखेंगे, पहले देख लेते हैं, खा के तो पेट में चला जाएगा ना, कैसे देखेंगे। कितने साल से आ रहे हैं सर आप यहाँ? अब हमेशा ही? अच्छा डेली आते हैं। स्वाद, स्वाद कैसा है सर? अब हमेशा आते हैं सर यहाँ पर? अच्छा सर, सस्ता भी है? चलो ठीक है, 50 रुपये। तो गाइस मैं जरा इनका मेनू भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से इनका मेनू है। आप अगर बंद भूल पड़ा हल्द्वानी से खाने के शौकीन है तो एक बार एक भाई की दुकान में अवश्य विजिट करें, छोटा सा एकदम रेस्टोरेंट है, तंदूरी रोटी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। बगल में भी एक भाई की और दुकान है, उनसे भी जानेंगे, उन्होंने भी एकदम सेटअप तैयार कर रखा है। नमस्कार सर, ये किस चीज़ की चटनी सर? टमाटर की चटनी है। क्या क्या बेचते हो सर? बिरयानी, बिरयानी चिकन बिरयानी। कै रुपये ग्राम देते हो सर? थोड़ा सा दिखाएंगे बिरयानी जरा व्यूअर्स को, हल्का सा खाली उसे में दिखा दो। तो गाइस इनसे रिक्वेस्ट करी, इन्होंने बिरयानी दिखाई, एकदम लाजवाब बिरयानी दिख रही, एकदम एरोमा आ रहा है। और इनका ये बैठने का सेटअप इस तरीके से है, ये देख रहे होंगे आप, एकदम बढ़िया, पानी आनी सब कुछ अवेलेबल है। तो कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 2.5 साल हो गए। कैसे चल रहा है फिर? बढ़िया चल रहा है, चलो ठीक है। तो ये भाई आ गए हमारे, ये कह रहे हैं यार हमको चैनल बता दो और ये सब्सक्राइब करेंगे हमारे, तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, यहाँ बंद बुलबुला के चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हमारा चैनल का नाम है यूट्यूब में कोरोंगा डेली ब्लॉग, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं।